हे गाइस, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो पर आपको बताऊंगा कैसे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का व्हाट्सएप डेटा सीमलेसली आईफोन पर ट्रांसफर करते हैं। अगर आप नए आईफोन खरीदे हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। इस बात पे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। और ज्यादा बात हम नहीं करते दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेनोरशेयर आई केयर फोन ट्रांसफर का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आके आप इस वेबसाइट पर आएंगे, देन आपको इधर दोस्तों सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे आप ये ट्रांसफर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आपको बस इस वेबसाइट पर आके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एज इट इज जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते है इसको भी आप कर लेना। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। इसके मदद से आप व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप, उसके बाद किक जैसे और भी सोशल मीडिया के चैट्स ट्रांसफर कर सकते हो। मैं आपको अभी व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आपको अपने दोनों डिवाइस मतलब एंड्रॉयड और आईफोन दो डेटा केबल के थ्रू आपके पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया और आप जैसे देख पा रहे हो एक साइड है आईफोन 11 है और दूसरे साइड पर है नथिंग फोन 1 जो कि एंड्रॉयड 12 बेस्ड फोन है। अभी मिडिल पर आपको एक स्वाप का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप एंड्रॉयड टू आईफोन पर शिफ्ट करना चाहते हो या फिर आईफोन टू एंड्रॉयड, दोनों काम इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर सकते हो। तो मैं जैसे कि एंड्रॉयड टू आईफोन पर करूंगा तो मैं उसको स्वैप कर लेता हूँ। ट्रांसफर पर टैप करते ही अभी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा है जिसको आपको फॉलो करना है। पहले आपको एंड्रॉयड फोन के व्हाट्सएप पर जाना है, देन 3 डॉट पर टैप करके सेटिंग पर आना है, देन जाना है चैट्स पर और चैट्स बैकअप। अभी आपको दोस्तों गूगल ड्राइव चैट्स बैकअप को कम्प्लीटली ऑफ कर देना है, मैंने ऑलरेडी कर दिया। देन आपको ऊपर एक बैकअप नाउ का बटन मिलेगा, उस पर टैप करके लोकल बैकअप कर लेना है। देन कंटिन्यू पर टैप करते ही ये आपके सोर्स डिवाइस यानी एंड्रॉयड डिवाइस से सारे व्हाट्सएप डेटा बैकअप करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेगा। घबराए मत, ये पूरा ऑफलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब आपका डेटा ऑनलाइन लीक भी नहीं होगा। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर के डेटा ऑफ करके भी इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको इस एसएमएस वेरिफिकेशन पर आके आपके व्हाट्सएप का नंबर डालना है, देन आपके उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी कोड के थ्रू आपको इसके अंदर रजिस्टर कर लेना है। कुछ देर वेट करने के बाद आप क्या क्या डेटा ट्रांसफर करने को चाहते हो उसका ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे जैसे वीडियो ट्रांसफर नहीं करना है तो मैं इसको अनसिलेक्ट कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट पर टैप करते ही दोस्तों 2-3 सेकंड के अंदर ही ये सभी डेटा आपके आईफोन पर ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद अभी ये बता रहा है लॉग इन टू व्हाट्सएप ऑन द टारगेट डिवाइस, मतलब अभी आपको अपने आईफोन पर उसी सेम अकाउंट से ही लॉग इन करना है। तो मैं फटाफट लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉग्ड इन बटन पर टैप करोगे अभी ये बता रहा है आईफोन का फाइंड माय आईफोन ऑप्शन ऑफ करना है, ये करना जरूरी है। तो आपको सेटिंग पर जाके एप्पल आईडी पर टैप करना है, देन फाइंड माय, उसके बाद फाइंड माय आईफोन पर आके आपके एप्पल आईडी के पासकोड डाल के इसको ऑफ कर लेना। देन ट्राई अगेन पर टैप करते ही ये रीस्टोर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और 5-6 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट डेटा ट्रांसफर भी हो जाएगा। अभी व्हाट्सएप पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों सारे के सारे मैसेज, फोटोज एंड डॉक्यूमेंट सभी के सभी ट्रांसफर हो गया है। दोस्तों टेनोशेयर के किसी भी सॉफ्टवेयर पर अप टू 70% डिस्काउंट आप उपयोग कर सकते हो। बेसिकली उनका ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है जिसके अंदर अगर आप किसी भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको अप टू 70% डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऑफर्स है जैसे कि बाई
वन गेट वन, उसके बाद लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ पर अगर आप विनर होते हो तो अमेजोन गिफ्ट वाउचर, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर का कूपन कोड और भी काफी सारे चीजें आपको फ्री में मिल जाएगा। ब्लैक फ्राइडे सेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा, तो इधर से आके आप किसी भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। टेनोशेयर के सभी सॉफ्टवेयर विंडोज और मैक ओएस दोनों के लिए कॉम्पेटेबल है, तो अगर आपके पास कोई मैक कंप्यूटर है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और विंडोज है तो विंडोज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन नीचे आपको उनका सभी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। इनके काफी सारे प्रोडक्ट मैं पहले भी रिव्यू किया, आज भी एक कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जरूरत हो आप अभी परचेस करके एक बड़ा डिस्काउंट उपयोग कर सकते हो। बाकी वीडियो आज तक इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।